मधुपुर के कारमेल स्कूल के सामने जल जमाव की समस्या वाली खबर द वजूद चैनल पर चलने के बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। सुशील कुमार ने सफाई टीम को निर्देश देते हुए अविलंब इस समस्या को दूर करने की बात कही है। कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश मिलते ही सफाई टीम कारमेल स्कूल के सामने नगर परिषद के स्टॉल के समक्ष जाम नाला को ठीक करने में जुट गई है। जेसीबी और सफाई टीम की मदद से जाम नाला के मुहाने से कचरों को निकाला जा रहा है। वजूद चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, हम पूरी टीम वहां पर अभी भेज दी है, उसको आज शाम तक सफाई करवा दिया जाएगा। कोई भी सूचना वगैरह चैनल के माध्यम से या मुझे पर्सनली कहीं भी किसी का गिरवांश मिलता है तो तुरंत हम कार्रवाई करते हैं, इसका भी हमने कार्रवाई कर दिया। सफाई टीम जो हम लोग पूरे शहर के लिए हम लोगों ने 5 टीम बना दिया था, जितने भी स्पेशली मेरा चल रहा है करीब 25 दिन से, जितने भी बड़े बड़े नाला वार्ड की नाली सफाई के अभियान के रूप में हम लोगों का चल रहा है 25 दिन। उसके बावजूद भी जहाँ कोई कम हमको सूचना मिली, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हमको जानकारी नहीं मिली, तो आपके चैनल से हमको जानकारी मिली, हमने उसको तुरंत कार्रवाई करके टीम को भेज दिया। इधर सफाई कर्मियों के अनुसार जल जमाव की समस्या को अस्थाई समाधान बताया जा रहा है। दरअसल कुछ माह पूर्व सड़क निर्माण कार्य और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन के बिछाने के दौरान नाला का पाइप और स्लीपर नाला में ही दबकर रह गया था और सड़क का निर्माण उसी के ऊपर कर दिया गया, जिस कारण यह समस्या बनी हुई है। जैसे पानी किया लल्ली है, हाँ। चल गया तो इतना जरा बच चलो तो इतना जरा पानी कहाँ जाएगा, दो प्लास्टिक आ जाए। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के इंचार्ज रामचंद्र ने बताया कि जल जमाव और ड्रेनेज सिस्टम को अस्थाई रूप से ठीक करने के लिए मुख्य सड़क को फिर से काट कर कलभर्ट निर्माण करवाने की आवश्यकता है ताकि अस्थाई रूप से इससे निजात पाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे। इधर सफाई के दौरान कचरों का ढेर जेसीबी द्वारा निकाला गया। जिस समय ये वाटर पाइप बिछा, नीचे में वाटर पाइप बिछा दिया, जिसके चलते नाली का वो पूरा जो है जो निकासी वो बंद हो गया। सेकेंड में रोड जो बना है, रोड बनते समय इसमें जो था स्लेब था वो नाली के नीचे गिर गया, उसी पर वो क्या बोलते ये पिचिंग कर दिया गया, जिसके वजह से निकासी बंद है। तो ये पूरा रोड टूट गया, वो उसको फ्रेश बनवाया जाए और वो कलवर्ट टाइप के बनने के बाद में तब वो उसका नाली की निकासी हो सकता है। हाँ, निजार ऑफिस आपको बताएंगे।